हेलो दिस इज वंदना सरोज। कोई भी यूपीआई फ्रॉड हो जाता है तो आप अपना पैसा कैसे वापस ले सकते हैं, आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो में। कितने दिन में आपका पैसा आपको वापस मिल जाना चाहिए। अभी तक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, बैंक अकाउंट फ्रॉड और भी बहुत तरह के फ्रॉड, किसी एनी डेस्क ऐप है उससे रिलेटेड फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड्स मैंने कवर किए हैं अपने इस चैनल पे। यूपीआई क्या है, भीम यूपीआई क्या है या फिर एनपीसीआई क्या है, यूपीआई का पिन कैसे बना सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, पेमेंट किसको कैसे कर सकते हैं और कैसे मंगवा सकते हैं, इन सब पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ऊपर लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीआई फ्रॉड के बारे में। तो मान लो कि आपके साथ कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है आपकी यूपीआई ऐप में जो कि आपने नहीं की है, तो उस केस में सबसे पहला कदम आपको करना है अपने डेबिट कार्ड और उसकी जो एक्सपायरी डेट है, एटीएम कार्ड और उसकी जो एक्सपायरी डेट है, उसको यूज करते हुए जो भी बैंक्स आपने ऐड किए अपने यूपीआई ऐप के अंदर, उन सब के यूपीआई पिन आप चेंज कर दें। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा, आप अपने उन एटीएम कार्ड्स को परमानेंटली ब्लॉक करा दे कस्टमर केयर पे कॉल करके। थर्ड जो स्टेप होगा, जो ऐप आप यूज कर रहे हैं जैसे कि गूगल पे आप यूज कर रहे हैं या फिर आप किसी बैंक की यूपीआई ऐप जैसे एक्सिस यूपीआई ऐप आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आप जाएंगे ट्रांजेक्शन में, वो जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन है वो आपको दिखाई दे जाएगी। अब जो ये ट्रांजेक्शन स्लिप होती है इसके अंदर ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन आईडी सब कुछ होता है, कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई, कब हुई। अब आप उसी ऐप के अंदर से जाके उसके अंदर ट्रांजेक्शन में जाके उसको सेलेक्ट करके आप उसको रिपोर्ट करेंगे। हर ऐप में थोड़ा अलग भी हो सकता है, किसी में आ सकता है रेज अ कंप्लेन, किसी में आ सकता है रिपोर्टेड, किसी में आ सकता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। ये आप देखिए आपकी ऐप के अंदर उस ट्रांजेक्शन को क्लिक करने पे या फिर नॉर्मली जो क्वेरी रेज एन इशू का जो टैब है उसमें क्या आ रहा है। आपको अगर लग रहा है कि मुझे वो लिंक नहीं मिल रहा है, अगर आपकी बैंक की यूपीआई है तो आप बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपके गूगल पे की यूपीआई ऐप आपने डाउनलोड की है तो आपको गूगल पे में ही यूपीआई फ्रॉड से रिलेटेड कंप्लेन रजिस्टर करानी है। तो जिसकी भी यूपीआई ऐप है पहले आप उनको कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे, कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो। थर्ड जो है आप ईमेल कर सकते हो कस्टमर केयर आईडी पे। फोर्थ जो है आप वेबसाइट पे जाके भी कंप्लेन कर सकते हो। इन सब तरीकों में से किसी भी तरीके से आप कंप्लेन करें। सबसे जरूरी है कि आपके पास कंप्लेन नंबर जरूर हो। यहाँ पे सारी एप्स का नाम दिखाया है जो कि यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शंस कराते हैं। फॉर एन एग्जांपल गूगल पे को यूज करते हुए किसी ने फ्रॉड कर लिया है, गूगल पे को आपने कंप्लेन किया है और वो रिजोल्व नहीं हुआ है, तो सेकेंड जो स्टेप है इस कंप्लेन को आगे बढ़ाने का वो होंगे PSP, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक्स। तो गूगल पे का एक जो टाइप है या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 4 बैंक्स हैं। यहाँ पे आप कैसे समझ सकते हैं क्योंकि आपने तो गूगल पे में अकाउंट बनाया है। अगर आपकी आईडी एंडिंग विद ओके एक्सेस है तो इसका मतलब एक्सेस बैंक को आप कंप्लेन करेंगे। जो यूपीआई आईडी या जिसको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी बोला जाता है वो आपका एंड हो रहा है ओके HDFC बैंक से, इसका मतलब आपको कंप्लेन करनी है गूगल पे के बाद HDFC बैंक को। अगर आपका जो यूपीआई एड्रेस है या फिर आपका VPA है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है वो एंड हो रहा है @ ओके ICICI से, तो आप कंप्लेन करेंगे ICICI को, और ओके SBI है तो SBI को कंप्लेन करेंगे। तो ये हुआ सेकंड स्टेप। अगर आपको लगता है कि अब भी मेरी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी की ऐसी है, उसके बाद आपको थर्ड स्टेप लेना है। अब आप कंप्लेन करेंगे अपने बैंक को जहां पे आपका बैंक अकाउंट है और जिसको आपने गूगल पे के अंदर ऐड किया हुआ है। अगर आपने कोई यूपीआई ऐप डाउनलोड की है इन सभी में से किसी भी बैंक की और तब यूपीआई फ्रॉड हुआ है तो आप डायरेक्टली इन्हीं को कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इनकी जो वेबसाइट है, कस्टमर केयर नंबर है, या फिर ऑनलाइन कंप्लेन करना चाहते हैं, ईमेल से आप करना चाहते हैं, तो कोई भी तरीके से आप कंप्लेन करेंगे डायरेक्टली अपने बैंक को। और जो फोर्थ स्टेप है तो NPCI, ये है NPCI.org.in जो कि सारा यूपीआई देख रहा है जिन्होंने स्टार्ट किया और RBI इसको रेगुलेट करता है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के नीचे ही आएंगे तो कंप्लेन का आपको कॉलम दिखाई देगा। कंप्लेन में देखिए फर्स्ट आपको जाना है ट्रांजेक्शन में। अगर आपकी जो कंप्लेन है सिर्फ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, इसके अलावा किसी और इश्यू से रिलेटेड है, यूपीआई चाहे आपका बैंक का यूपीआई हो या फिर आपका किसी मोबाइल वॉलेट या किसी और कंपनी का यूपीआई हो, जैसे गूगल पे का यूपीआई है, जस्ट डायल का यूपीआई है, या फिर आईसीआईसीआई बैंक का यूपीआई है, एक्सिस का यूपीआई है, किसी का भी यूपीआई हो, आप यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में सबसे पहले आता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को भेजा पैसा, तो आप पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी शॉप को, किसी इंडस्ट्री को, मर्चेंट को पे किया है तो पर्सन टू मर्चेंट आप सेलेक्ट करेंगे। तो सपोज मैं इसमें एक सेलेक्ट कर लेती हूँ पर्सन टू पर्सन, जो आपको सेलेक्ट करनी है। अमाउंट कट गया है लेकिन नेक्स्ट पर्सन को नहीं गया है। इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, अगर आपने गलती से किसी को पैसा भेज दिया है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉड की ट्रांजेक्शन, किसी और ने फ्रॉड कर लिया है तो फ्रॉडोलेंट ट्रांजेक्शन में डालेंगे। मान लो कि फ्रॉडोलेंट ट्रांजेक्शन आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पूरा कमेंट, ट्रांजेक्शन आईडी, जो यहाँ से आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और जो आपकी यूपीआई आईडी है वो सेम है, तो वो आपकी अपनी यूपीआई आईडी आपने यहाँ पे डालनी है। जितने अमाउंट की आपने ट्रांजेक्शन की थी वो यहाँ पे आपने डालनी है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके बाद वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने डालना जो उस बैंक अकाउंट में भी रजिस्टर्ड और उसी पे आपने ये यूपीआई स्टार्ट किया है, ये ऐप। तो उसके बाद चूज फाइल, जो ट्रांजेक्शन की जो स्लिप थी अटैच कर लीजिए। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। अब जो लास्ट स्टेप है कंप्लेन करने का वो है बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन। तो बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन क्या होता है, पूरी प्रोसेस समझने के लिए बैंकिंग प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो आपको दिखेगी। बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन क्या होता है इसको समझने के बाद अगर आपको ऑनलाइन कंप्लेन करनी है और घर बैठे अपनी कंप्लेन का स्टेटस चेक करना है तो ये मेरी वीडियो है, बैंक कंप्लेन कैसे करे। बैंकिंग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ऊपर भी लिंक दिखाई देगा। उस ओम्बर्ड्समैन को कंप्लेन किया, उनका जो डिसीजन आया उससे भी मैं खुश नहीं हूं, तो उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है वो अपील करने का बचता है। तो अपील करेंगे आप आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को। तो ये भी घर बैठे आप अपील कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरा डेमो मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो सिंपली आप डालिए वंदना सरोज, उसके बाद आप आरबीआई डाल दीजिए। जैसे मैंने सिर्फ आरबीआई की वीडियोस बताई है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। कुछ फ्रॉड होते हैं जो हमारी अपनी गलती की वजह से होता है, जैसे कि हमने ओटीपी बता दिया है, यूपीआई पिन दे दिया है किसी को, या फिर जो अपना फोन है वही किसी के साथ शेयर कर दिया है और उसके बाद उनको ऑलरेडी यूपीआई पिन पता है। ऐसा कोई भी केस, तो हर केस में आपको कितने दिन में कितना पैसा मिल जाएगा इसके लिए आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसका लिंक आप ऊपर देख रहे हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें। आप डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप को फॉलो किए बिना सीधा थर्ड स्टेप पे, जैसे आरबीआई को हम कंप्लेन कर देंगे ऐसे स्टेप फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं करा सकते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगी। जब भी आप यूपीआई फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं अपने बैंक में या जो थर्ड पार्टी ऐप है उनमें, और उसके बाद आप करते हैं उस पर्टिकुलर बैंक में जो उनको सर्विस देता है उस ऐप को, तो अगर बैंक को लगता है कि ये जो कंप्लेन है ये जेन्युइन है और इनके साथ फ्रॉड ही हुआ है, तो बैंक आपको 10 वर्किंग डेज के अंदर आपके पैसे का एक शेडो क्रेडिट आपके अकाउंट में दिखाई दे जाएगा। तो शेडो क्रेडिट का मतलब है अगर फैसला आपके हक में आया 10 दिन के बाद से भी तो वो परमानेंट हो जाएगा। तो अगर 10 दिन के बाद और 90 दिन के पूरे होने के अंदर बैंक को लगता है कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं थी, कहीं ना कहीं कस्टमर की गलती थी, तो उस केस में जो शेडो क्रेडिट दिया गया था, टेम्परेरी क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट में, वो हटा दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट से और वो सारा अमाउंट आपका लॉस माना जाएगा, नुकसान माना जाएगा। और अब आपकी बारी। ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे इसके लिए वीडियो के नीचे जाके रेड कलर के सब्सक्राइब पे क्लिक करें। उसके बाद जो घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें, यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। साथ में मेरी हैप्पी वीडियोस हमेशा आपको हैप्पी रखे इसके लिए वंदना सरोज ब्लॉग्स पे जाएं और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।